हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथ मैचिंग शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो फिगर है हमारे सामने, ये एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ए सी डायगोनल है और ये दो सेमी सर्किल है, दो सेमी सर्किल जिसका डायमीटर बी सी है और ए डी है। ठीक है, ये फिगर दिया गया है। ये जो शेडेड रीजन है इसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, और इस फिगर का साइड है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे। किसी भी एक सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होगा, सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू, डायमीटर का हाफ होता है आर, तो 14/2, दो बार है आर स्क्वायर है इसलिए 14/2 × 14/2 यह हो गया सेमी सर्कल का एरिया। ये कैंसिल, एलेवन टू सेवन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, आप देखेंगे कि अगर हम लोग एक और डायगोनल ड्रॉ करें बी डी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल ही होगा। ये एरिया यानी सारा ये जो शेडेड रीजन वाला एरिया है, ये एरिया हो या ये एरिया हो या ये वाला एरिया हो या ये वाला एरिया हो, सब इक्वल होगा। तो हम लोग इसकी जगह इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो अब क्या हुआ कि बी ओ सी इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल, हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, अगर उस दोनों डायगोनल को हम लोग खींच दें तो स्क्वायर को 4 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर देता है। मतलब बी ओ सी, डी ओ सी, ए ओ डी और ए ओ बी सारे ट्रायंगल का यानी चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, यानी स्क्वायर का फोर्थ पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर होगा साइड स्क्वायर बाय 4, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को पता हो गया और सेमी सर्किल का एरिया पता है, तो हम लोग सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये और ये दोनों शेडेड रीजन मिला के
28 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसके जगह हम लोग ये शेडेड रीजन लेंगे क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर है, इसीलिए इस पूरे ये जो रेड वाला शेडेड पार्ट है इसका एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स, अगर इस स्क्वायर के साइड को हम लोग ए मानेंगे तो उसका एरिया हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।